और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश में एक तरफ यादव परिवार में चल रहा बवाल और दूसरी तरफ देश का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला कश्मीर। कश्मीर इस वक्त जो है आतंकियों की जो है आतंकियों के निशाने पर है, वैसे हमेशा ही रहा है। और ऐसे में अब जबकि आगामी दिनों में वहां पर पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकियों ने कई पंचायती घरों को जलाया था, जिसको लेकर पीडीपी का गुस्सा जाहिर हुआ था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी अपना अपना बयान जाहिर करके बताया था कि ये सरासर गलत हरकत है आतंकवादियों की तरफ से। फिलहाल जम्मू कश्मीर में पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर माहौल जो है वो गर्मा रहा है और धीरे धीरे जो वहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि ये उसके पास सुनहरा मौका है। गठबंधन तोड़ने के बाद अगर पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी कर ले जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो निस्संदेह वहां पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में से बहुत फायदा मिल सकता है। घोषणा पत्र में कई चीजों को लेकर जिक्र किया था जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने, बीजेपी ने, अब उसका टाइम आ गया है, उसका वक्त आ गया है पूरा होने का। अब देखना होगा धारा 370 और अनुच्छेद 35 को लेकर क्या एक्शन लेती है बीजेपी की सरकार और क्या लेते हैं एक्शन पीएम मोदी। फिलहाल अभी बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर, जिन्होंने हाल ही में वहां पे राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण की। उससे पहले एलन वोहरा वहां पे कार्यकाल संभाल रहे थे, उनका कार्यकाल वहां पे खत्म हो गया था, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया। लेकिन उसके बाद एलन वोहरा की कुछ बातें अमित शाह को रास नहीं आई, बीजेपी आलाकमान को रास नहीं आई, और उन्होंने फिर एलन वोहरा को हटाते हुए वहां पर कमान सौंपी सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक ऐसे वहां पर राज्यपाल है जिनका अन्य राज्यपालों की अपेक्षा सबसे ज्यादा सियासी वहां पर एक बैकग्राउंड रहा है, सियासी नेता रहे हैं। कांग्रेस सपा से रहते हुए बीजेपी में पहुंचे, बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं, उनका एक वर्चस्व है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं वो, और कहीं ना कहीं उनका जाटों में बहुत जबरदस्त वर्चस्व है, खासी पैठ रखते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिनका एक सियासी बैकग्राउंड है, जिनका एक सियासी ताल्लुक है, जो कि एक सियासी कहीं ना कहीं जो है सूझबूझ रखते हैं, और इसी सूझबूझ को भुनाने की कोशिश में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। अब सत्यपाल मलिक जो है जब से वहां पर राज्यपाल बने हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वहां की जो आवाम है उसको लुभाया जाए, वहां की आवाम को ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ जो बैठ गया है कि नहीं बीजेपी तो कुछ नहीं करने वाली, नहीं गठबंधन टूटा है, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर के साथ धोखा होता है, जम्मू कश्मीर के जैसा कि वहां पे पत्थरबाजी की आप बातें सुनते हैं, बहुत सी ऐसे, मैं सारी आवाम की बात नहीं कर रही लेकिन आवाम का जो प्रतिशत है उसमें बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत ऐसे से वहाँ पर विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं कि वहाँ का अलग झंडा है, वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता है, वहाँ पे संसद ने बनाए कानून वहाँ पे जो है वहाँ माने नहीं जाते, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे नहीं माने जाते हैं, और साहिब जाते वहाँ पे हमारा झंडा नहीं फहराया जाता, जबकि वो हमारे ही देश का अभिन्न अंग है, हमारे लाखों सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, लाखों सैनिक रोजाना वहाँ पे शहीद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो जमहूरियत है, वहाँ की जो आवाम है, वो हिंदुस्तान को अपना मानने से पीछे हटती है। अलगाववादी हुर्रियत का तो आपको पता ही है क्या हाल है वहाँ पर, और 35A को लेकर किस तरह से वहाँ पर मसला गरमाया हुआ है। इन सब के बीच में कहना कि जम्मू कश्मीर जो है हमेशा से संजीदा प्रदेश रहा है और आगामी दिनों में भी संजीदा प्रदेश रहेगा अगर इसका समय रहते कोई भी उपाय नहीं निकाला गया। महबूबा मुफ्ती की बात करूं या उमर अब्दुल्ला की बात करूं या फारूक अब्दुल्ला की बात करूं, जितने भी नेता हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां अपनी राजनीति चमकाती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पिस जाती है जम्मू कश्मीर की आवाम, जैसा कि पीडीपी और बीजेपी गठबंधन ने पिसी। बीजेपी का कहना है कि पीडीपी उनके अनुसार काम नहीं कर रही थी, कोई विकास नहीं हो रहा था, हमने विकास के लिए पीडीपी से गठबंधन तोड़ा। महबूबा मुफ्ती कहती है कि मैंने 35A को लेकर विरोध जताया, ये बात बीजेपी को रास नहीं आई और इसलिए उसने गठबंधन तोड़ दिया। सबके अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल सत्यपाल मलिक को लेकर बात करते हैं। सत्यपाल मलिक जो है वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक मुश्किल प्रदेश है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था, मैं वहाँ सीधे लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने वहाँ राजभवन सबके लिए खोल दिया है। अब सत्यपाल मलिक जो है कहीं ना कहीं उनको जिन मंसूबों के लिए बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनाया गया है वो उन मंसूबों को वहाँ पर पूरा करने के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के बीच बीजेपी के लिए विश्वास पैदा करने के लिए, राज्यपाल शासन के लिए विश्वास पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आगामी दिनों में पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव है, बीजेपी को जीत दर्ज करनी है, सफलता हासिल करनी है। अन्य राज्यों में तो भगवा लहरा ही रहा है, दो तीन राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए, अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं भगवा लहराने की पूरी तैयारी कर रही है बीजेपी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक जो है इसमें कारगर साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा है, मैं अपने व्हाट्सएप पर मिली शिकायतों का समाधान कर रहा हूं, और 35A को लेकर उन्होंने जो है
अपना स्टैंड क्लियर किया है कि मैं कह चुका हूं कि 35 से पर कोई फैसला चुनी हुई सरकार का प्रमुख ले सकता है, मैं तो चुनी हुई सरकार का आदमी हूं नहीं। मामला कोर्ट में है और सेंटर भी चाहता है कि पंचायती चुनाव के बाद सुनवाई हो, क्योंकि 35 से पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अगले साल 19 जनवरी के बाद सुनवाई होगी और ये अटॉर्नी जनरल मोदी सरकार की तरफ से जो वहाँ पर दाखिल हाजिर हुए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि पंचायती और स्थायी निकाय चुनाव को लेकर जो है वहाँ पर टाला जाए चुनाव, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वहाँ पर माफी चाहूंगी ये सुनवाई टाली जाए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं घाटी में जो है हालात खराब हो सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया है जो कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का एक बयान सामने आया था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि सत्यपाल मलिक अपना आदमी है। तो उन्होंने कहा मैं किसी का आदमी नहीं हूं और मैं संविधान का आदमी हूं, मैं इन जैसे लोगों को कोई अहमियत नहीं देता हूं। ये कहा है सत्यपाल मलिक ने रविंद्र रैना को जवाब दिया है कि मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य से मतलब रखता हूं, मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और इन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी आप पर क्यों विश्वास करें, इसके लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि वहाँ समस्या हमें हुर्रियत से नहीं है, अलगाववादियों से नहीं, हमारी समस्या 13 से 20 साल के लड़के हैं जिनका सिस्टम से भरोसा उठ चुका है, जो कि पत्थरबाजी के तौर पर सामने आते, पत्थरबाज के तौर पर वहाँ पर पहचान बना रहे हैं। हमने फैसला किया है पुलिस किसी भी युवा को 6 बजे के बाद नहीं रोकेगी। हम कोशिश कर रहे हैं IPL मैच कश्मीर में कराए जाए। हमारी बात टीम बनाने को लेकर IPL चेयरमैन से भी हुई है। हमने फैसला किया है सभी त्यौहारों जैसे ईद, रमज़ान सभी में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मुझे प्रधानमंत्री ने पूरा मैंडेट दे रखा है और पिछले 1 महीने में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, ये कहना है सत्यपाल मलिक का। यानी कुल मिलाकर आगामी पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी जो सत्यपाल मलिक है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और रविंद्र रैना को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देता, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं संविधान का आदमी हूं, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूं। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो है धारा 35 अनुच्छेद 35 ए को लेकर जो बवाल चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है वो अलग से, अब वहां पर जो सियासत गरमाई है गरमाई है पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हालांकि अभी बीते दिनों राजनाथ सिंह पहुंचे थे, राजनाथ सिंह ने ये कहा था बीते दिनों कि वो चाहते हैं कि जो पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं वो पार्टियां शामिल हो जाएं इन चुनावों में, इससे कहीं ना कहीं जनता का भला होगा। लेकिन फिलहाल महबूबा और फारूक अब्दुल्ला अपने अपने स्टैंड पर कायम है कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी की स्ट्रैटेजी अब खुलकर सामने आ रही है और धीरे धीरे देखना होगा सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना बनाने में लगे हुए हैं, क्या जो अभी 2014 के बाद जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जो उसने मैंडेट बीजेपी को हासिल हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, क्या वही मैंडेट पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में मिलेगा, ये देखना तब सबसे दिलचस्प है, क्योंकि इसका सीधा जो असर पड़ेगा आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। नमस्कार।